नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ शिवानी सक्सेना। अपराधियों के साथ साठगांठ कर अपहरण के जरिए मोटी कमाई कर रहे चार पुलिस कर्मियों समेत आठ अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। बिहार पुलिस के पैंथर के तीन जवान, होमगार्ड के एक जवान समेत आठ लोगों को अपराधियों के साथ मिलकर अपहरण कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वैशाली जिले की पुलिस ने अपराधियों के साथ पुलिस महकमे के साठगांठ को उजागर किया है। दरअसल वैशाली में पुलिसकर्मी और अपराधियों के बीच साठगांठ से चल रहे अपहरण मामले का बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद पुलिस महकमे के अधिकारी सकते में आ गए हैं। उनके सामने ये बड़ा सवाल है कि जब उनके ही जवान शामिल हैं, तो फिर अपराध पर लगाम कैसे लगेगा। गौरतलब है कि वैशाली पुलिस ने अपहरण के एक मामले में पैंथर के तीन जवान, होमगार्ड के एक जवान समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जवान अपराधियों के साथ मिलकर किडनैपिंग कर रहे थे और उसके एवज में मोटी रकम भी ऐंठ रहे थे। इस खुलासे के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच चुका है। एसपी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दोषी चारों पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और अपहरणकर्ताओं के साथ सभी आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया है। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब सदर थाना इलाके में एक महिला ने अपने पति के अपहरण किए जाने और 1 लाख की फिरौती मांगे जाने की शिकायत की। इस मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी, तभी पैंथर के एक जवान और मामले का आरोपी अनिल मांझी शराब के नशे में धुत होकर नगर थाना इलाके के चौहट्टा चौक के पास पकड़ा गया। उनके पास से अगवा शिवपूजन शाह का मोबाइल बरामद हुआ और फिर पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।